आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज उसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे स्प्राउट मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल और साथ ही पालक की बहुत ही शानदार और हेल्दी सी दाल की रेसिपी। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। वेलकम टू स्वाद घर साथ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम पालक। पालक को अच्छी तरीके से हमने धो लिया था। और इधर हम लेंगे अंकुरित मूंग, हरी मूंग, साथ ही इसमें हमने थोड़ा सा चना डाला है। तो एक कप मूंग है और आधा कप चना, दोनों अंकुरित ही। तो यहाँ पे हम लेंगे लहसुन, एक चम्मच हरा लहसुन, एक प्याज, एक चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, दो हरी मिर्ची और दो टमाटर। तो यहाँ पे इसमें से आप जो नहीं खाना पसंद करते उसे स्किप कर दें। तो एक कुकर लेंगे, कुकर में हम डालेंगे पालक जो हमने धो करके और बारीक काट करके रखा था। साथ ही इसमें हम डालेंगे अंकुरित दाल। तो यहाँ पे हरी मूंग की दाल है और चना, तो दोनों को हम डाल देंगे। तो एक कप मूंग की दाल है और आधा कप है चना। और साथ ही इसमें हम डालेंगे दो टमाटर, दो मिर्ची, हरी मिर्ची डालेंगे, तीखा जैसा आप खाते वैसा डालें। एक प्याज, अगर आप प्याज नहीं खाते तो ना डालें। और यहाँ पे डालेंगे अदरक एक इंच, उसे हमने ग्रेट कर लिया था। हरे लहसुन की पत्तियाँ, तो ठंड का मौसम है, बहुत ही आसानी से हरे लहसुन की पत्तियाँ मिल जाती हैं। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी दाल बनने वाली है। जिस कटोरी से हमने नाप करके दाल लिया था, अंकुरित दाल और चना, उसी से नाप करके हम डालेंगे चार कप पानी। पानी की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको दाल पतला या थिक चाहिए। और साथ ही इसमें डालेंगे हींग। तो यहाँ पे हमने 4 पिंच हींग लिया है और 2 डालेंगे लौंग। इससे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दाल का। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। बस इसके बाद कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 3 से 4 सीटी आने के बाद गैस बंद कर देंगे। तो गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें और 4 सीटी आने दें। और 4 सीटी आने के बाद जब पूरी तरीके से सीटी का भाप निकल जाए उसके बाद ही आप ढक्कन को खोलें। और ये देखिए हमारी दाल पक गई है। तो बस हम ढक्कन खोलते हैं, सीटी का भाप निकल जाए उसके बाद ही ढक्कन खोलें। और ये देखिए जब दाल गर्म हो उसी समय आप इस तरीके से घोट दें, मत दें अच्छे तरीके से, या मैशर की या ब्लेंडर की सहायता से आप इसे अच्छी तरीके से मैश कर दें। तो बस ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी दाल बनी है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खाएं बिना राइस या रोटी के, बहुत ही हेल्दी सा मील है ये। तो बस सबको हम अच्छी तरीके से घोट देंगे। बस इसके बाद गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे तो बहुत ही हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी खाएं बिना तड़के के। घी गर्म हो चुका है, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और यहाँ पे डाला है हमने 1 लाल मिर्ची, उसे तोड़ करके डालेंगे। जीरा को पकाएंगे, गैस को मीडियम फ्लेम पे रखें। और जीरा जैसे ही पक जाता है उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च खाते हो तो इसी समय डालें। और बस 30 सेकेंड के बाद दाल को इसमें ट्रांसफ़र कर दें, डाल दें, गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें और उबाल आने दें। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। बस सबको हम अच्छे तरीके से मिला देंगे और एक उबाल आने देंगे। और एक उबाल आने के बाद इसमें हम डालेंगे धनिया के पत्ते, धनिया के पत्ते या धनिया के डंठल बस डालें और 1 से 2 मिनट तक उबाल आने दें इसी तरीके से। उसके बाद आपकी हेल्दी स्वादिष्ट अंकुरित मूंग की दाल से बनी पालक अंकुरित मूंग दाल की बहुत ही हेल्दी सी दाल हमारी बनकर के तैयार है। साबुत मूंग दाल की इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो बाकी की दाल आप बनाना भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही हेल्दी और आसान सी रेसिपी है। बिल्कुल भी कुछ भी मेहनत नहीं है, फटाफट एक साथ कुकर में आप सबको डालें, 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं, गैस बंद करें और बस अपने हिसाब से तड़का डालें। और इसके बाद आपकी झटपट से हेल्दी स्वादिष्ट सी मूंग दाल और पालक की सब्जी बन करके, सब्जी या दाल जो भी बोलें, बनके तैयार है। स्वादिष्ट और पौष्टिक दाल अगर आप खाना पसंद करते हैं तो आप इस दाल को ज़रूर बनाएं, खाएं और खिलाएं। ठंड का मौसम है, पालक भी बहुत ही बढ़िया फ्रेश फ्रेश आ रही है। तो आप इस तरीके से आप अपनी पसंद से अंकुरित दाल, स्प्राउट दाल को इस तरीके से पालक के साथ बना के खाएं। आपको जो भी दाल पसंद हो, मूंग दाल को अंकुरित बनाने के लिए आप रात भर मूंग को भिगो दें। उसके बाद जब रात भर हो जाए, छान करके किसी भी कॉटन के कपड़े में पोटली में बांध करके रखें 3 से 4 घंटे के लिए। बस उसके बाद आपकी अंकुरित निकल आएंगे मूंग में। तो बस इसी तरीके से अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा देर तक उसे टांग करके रखें, तो बहुत ही हेल्दी। आप चाहें तो जो आज की मेरी रेसिपी, आप उसे सूप में भी खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। और अगर आप चाहें तो लंच या डिनर में भी बनाएं, बहुत ही हेल्दी सी और स्वादिष्ट सी रेसिपी। एक बार आप बना के देखें, बहुत ही अलग फ्लेवर है,
आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो और आप सब मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनमोल कीमती समय निकाल के मेरी रेसिपी देखने के लिए। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें जहाँ रहें। आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।